पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, वो भारत में ही सचिन के साथ रहना चाहती है। दूसरी तरफ सीमा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीमा यूपी एटीएस की रडार पर है। यूपी एटीएस सीमा हैदर केस की जांच करेगी। सीमा हैदर पर शक है कि वो आईएसआई की एजेंट हो सकती है। यूपी एटीएस सीमा हैदर के दुबई नेपाल नेटवर्क की भी जांच करेगी। इसके साथ ही सीमा के मोबाइल नंबरों की भी पड़ताल होगी। एटीएस परिजनों की भी जानकारी जुटाएगी। एटीएस पता करेगी कि सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत तक नेटवर्क कैसे है, वो इतनी आसानी से भारत कैसे आई, कैसे सीमा पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आई, और किसने सीमा हैदर की मदद की। इतना ही नहीं, सीमा के प्रेमी सचिन के बैकग्राउंड की भी यूपी एटीएस जांच करेगी। सचिन सीमा से कब से संपर्क में था, दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती थी, किन किन कंपनियों के इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, एटीएस इन सब मामलों को खंगालेगी। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन के परिवार को किसी से भी न मिलने की हिदायत दी है। माना जा रहा है कि यूपी एटीएस की जांच में सीमा हैदर को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सीमा और सचिन बुरी तरह से फंस सकते हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीमा और सचिन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सीमा और सचिन की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई है। कोई उनकी लव स्टोरी को सही बता रहा है तो कोई सीमा के भारत में अवैध तरीके से प्रवेश को लेकर सवाल उठा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर नोएडा पुलिस ने एक लेटर लिखकर सीमा हैदर मामले की जांच के लिए स्पेशल एजेंसी से कार्रवाई की मांग की थी। नोएडा पुलिस का लेटर मिलने के बाद यूपी एटीएस सीमा मामले की जांच में पूरी तरह से जुट गई है। गौरतलब है कि फिलहाल सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की कोई योजना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को भारत में रहने के लिए वीजा दिया जा सकता है। इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि अगर सचिन पति के तौर पर इसके लिए अर्जी देते हैं तो सीमा हैदर को लंबी अवधि का वीजा दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर और उनके भारत आने के मकसद को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। बता दें, सीमा हैदर को भारत के रहने वाले सचिन से पबजी खेलते हुए प्यार हुआ, जिसके बाद सीमा पाकिस्तान छोड़ अपने चार बच्चों को लेकर भारत आ गई। सीमा का दावा है कि उसने पूरी तरह से भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को अपना लिया है और अब वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। हालांकि सीमा के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। अब एटीएस सीमा हैदर मामले में घुस चुकी है और जांच के बाद ही सीमा हैदर और उसके पति सचिन को लेकर चीजें साफ हो पाएंगी।